नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं दो रंग का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन लाया हूँ, जिसे आप बच्चों के स्वेटर में, कार्डिगन में, चाहे किसी भी मनचाहे प्रोजेक्ट में बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए हमें 4 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 1 फंदा एक्स्ट्रा। आइए देखते हैं ये कैसे बनता है। मैंने सिलाई में 25 फंदे डाल लिए हैं। हमें 4 के मल्टीपल फंदे डालने हैं और 1 फंदा एक्स्ट्रा। तो मैंने सिलाई में 25 फंदे डाल दिए हैं और पहली लाइन के सारे फंदे सीधे बुने जाएंगे। पहले लाइन के सभी फंदे मैंने सीधे बुन लिए हैं। दो रंग का डिज़ाइन है और पीछे से ये डिज़ाइन बनता है, तो दूसरा रंग आप जोड़ लीजिए और पहला फंदा उतार लीजिए। फिर 3 फंदों को एक साथ लेना है। 3 फंदों को एक साथ लेते हुए पहले उल्टा, फिर इसी में सीधा, फिर इसी में उल्टा, यानी 3 फंदों से 3 फंदे बना लेने हैं। चौथा फंदा उतार लिया जाएगा। फिर 3 फंदे दिए जाएंगे और तीनों को एक साथ लेते हुए पहले उल्टा, फिर इसी में सीधा, फिर तीसरा फंदा इसी में उल्टा। 3 फंदों से हमने 3 फंदे बना लिए। चौथा फंदा उतार लेना है। फिर अगला 3 फंदा एक साथ लेंगे, लेके और थोड़ा सा हिला दीजिए तो ढीला हो जाएगा और बुनने में आसानी हो जाएगी। तो पहला फंदा उल्टा, फिर इसी में दूसरा फंदा सीधा, फिर इसी में तीसरा फंदा उल्टा। चौथा फंदा उतार लेना है। फिर 3 फंदों को एक साथ लेना है। पहला फंदा उल्टा, दूसरा सीधा और तीसरा उल्टा। चौथा फंदा उतारना है। फिर 3 फंदों को एक साथ लिया जाएगा और पहला फंदा उल्टा, दूसरा सीधा और तीसरा उल्टा। चौथा फंदा उतारना है। फिर 3 फंदों को एक साथ लेते हुए पहला उल्टा, दूसरा सीधा और तीसरा उल्टा। चौथा फंदा उतार लेना है। इसी तरह पूरी लाइन कंप्लीट कर ली जाएगी। अब डिज़ाइन का दूसरा लाइन, उतारे हुए फंदे को उतार दिया जाएगा और बुने हुए 3 फंदों को सीधा बुन दिया जाएगा। उतारा हुआ फंदा उतार दिया जाएगा और बुने हुए 3 फंदों को सीधा बुन लिया जाएगा। उतारे हुए फंदे को उतार दिया जाएगा और बुने हुए 3 फंदों को सीधा बुन लिया जाएगा। उतारे हुए फंदे को उतार दिया जाएगा और बुने हुए फंदे को सीधा बुन लिया जाएगा। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेना है। तीसरी लाइन अब दूसरे रंग के ऊन से। पहले 2 फंदों को लिया जाएगा।
और इसमें पहला फंदा सीधा और दूसरा फंदा उल्टा, तीसरा फंदा उतार लिया जाएगा और अगले तीन फंदों को लिया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये फंदा उतारा था, पिछली लाइन में ये फंदा उतारा था और इस लाइन में इस फंदे के एक फंदा आगे और एक फंदा पीछे वाले तीनों फंदों को लेके बुनाई की जाएगी। अगले तीन फंदे, ये उतारे हुए फंदे के अगल बगल वाले उतारा हुआ फंदा और अगल बगल वाला फंदा, तीन फंदा हो जाएगा। पहले उल्टा, फिर इसी में सीधा, फिर इसी में उल्टा, अगला फंदा उतार दिया जाएगा। ये हमने तीन फंदे जिसमें बुनाई किए थे उसका बीच वाला फंदा उतरेगा और जो उतरा था उसके वो और उसके अगल बगल वाला फंदा, तीन फंदा इसमें बुनाई होगी। तीनों फंदों को एक साथ लेते हुए पहले उल्टा, फिर इसी में सीधा और इसी में उल्टा, अगला फंदा उतार लिया जाएगा। फिर तीन फंदों को एक साथ लिया जाएगा और इससे तीन फंदा बनाना है, पहला उल्टा, दूसरा सीधा और तीसरा उल्टा, चौथा फंदा उतार लिया जाएगा। तीन फंदों को एक साथ लेते हुए पहला उल्टा, दूसरा सीधा और तीसरा उल्टा, चौथा फंदा उतारा जाएगा। फिर अगले तीन फंदों को एक साथ लेते हुए पहला उल्टा, दूसरा सीधा और तीसरा उल्टा, अगले फंदे को उतारा जाएगा और लास्ट में हमारे पास दो ही फंदा बचेगा, तो हमको दूसरा और तीसरा फंदा बनाना है, यानी उन आगे कीजिए और इसमें दूसरा और तीसरा, दो ही फंदे हैं तो हमको दो ही फंदे बनाने हैं। तो पहला फंदा सीधा रहेगा इस दो फंदे वालों में, पहला सीधा, यहाँ पे देखिए शुरुआत में भी दो फंदे थे तो हमने पहला सीधा और दूसरा उल्टा बनाया था, और आखिरी में भी दो ही फंदे हैं तो पहला सीधा और दूसरा उल्टा, और जहाँ तीन तीन फंदे हैं वहाँ पहला उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा। आगे से बुने हुए फंदे सीधे बुन लिए जाएंगे और उतारा हुआ फंदा उतार लिया जाएगा। बुना हुआ फंदा सीधा बुन लिया जाएगा और उतारा हुआ फंदा उतार लिया जाएगा। बुने हुए तीनों फंदे सीधे बुन लिए जाएंगे और उतारा हुआ फंदा उतार लिया जाएगा। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। एक रंग के ऊन से दो लाइन बुनना है, उसके बाद अगला दो लाइन दूसरे रंग के ऊन से बुनाई होगी। देखिए डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो गया है, दो ही रंग का डिज़ाइन है और डिज़ाइन एक एक फंदा आगे बढ़ रहा है। बुनने पर ये इस तरह तैयार हो रहा है। अब इसमें अगली लाइन जो है, इसमें पहला फंदा उतर जाएगा और ये उतरे हुए फंदे का फंदा और अगल बगल वाला तीन फंदा जो है वो इसमें बुनाई होगी। बनने के बाद डिज़ाइन ऐसे तैयार होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने स्वेटर में बनाइए, इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरा वीडियो आपके पास स्वतः ही पहुँच जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।